नमस्कार, मैं हूं सुकृति सलाथी और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24x7। दिवाली के दिन उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 41 श्रमिकों को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू का आज 10वां दिन है। सोमवार को मजदूरों की स्थिति देखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, पर अंदर धूल होने से तस्वीरें साफ नहीं आ पाई। अब दिल्ली से एंडोस्कोपिक कैमरे मंगवाए गए थे, जिन्हें आज मंगलवार को पाइप से भीतर पहुंचाया गया। इस दौरान कैमरे से टनल के भीतर फंसे हुए सभी 41 मजदूर दिखाई दिए, सभी सुरक्षित हैं। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वीआरओ, एनएचआईडीसीएल, उत्तराखंड पुलिस, एसजेवीएनएल, आरबीएनएल, लॉर्सून एंड टूब्रो, टीएसडीसी, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, ONGC, ITBP, राज्य लोनिवी, DRDO, परिवहन मंत्रालय, होमगार्ड आदि। SAVN की ड्रिल मशीन सुरंग के ऊपर पहुंचेगी, 24 घंटे में इंस्टॉल होगी। RBNL की ड्रिल मशीन भी सुरंग के ऊपर जाएगी। रोबोट को चलाने का प्रयास किया जाएगा ताकि मजदूरों तक पहुंचना और आसान हो। बड़कोट छोर से भी सुरंग में ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। इसके लिए TSDC की 8 से 10 लोगों की टीम पहुंच गई है। यहां से 2 से 2.5 मीटर व्यास की सुरंग तैयार की जाएगी। आज से अगर मशीन फिर तेजी से काम शुरू कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24x7।